जिस एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ इसका जमीन कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पूरे 517 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ एयरपोर्ट है। बिहार का यह एक ऐसा एयरपोर्ट है, इतना जमीन बिहार के किसी भी एयरपोर्ट के पास में नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छे से एयरपोर्ट बनवाया जाए ना, तो बिहार का सबसे बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है। 1903 ईस्वी में बना यह एयरपोर्ट अपने दुर्दशा पे आज किस प्रकार से रो रहा है, इसकी स्थिति मतलब कि इतनी जर्जर हो चुकी है कि मतलब कि देखने में भी डर लग रहा है। और यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे, यहाँ पे जानवर रह रहे हैं, आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते होंगे। अभी जो कंट्रोल रूम में इंसानों को रहना चाहिए, उस कंट्रोल रूम की स्थिति क्या है और यहाँ पे किस प्रकार से गाय भैंस रह रहे हैं, किस प्रकार से जानवर रह रहे हैं, यहाँ पे पशुओं को चराने वाले लोग भी रह रहे हैं, और यहाँ पे गाय के द्वारा भैंस के द्वारा कितना मतलब कि मल मूत्र किया गया है, आप ये वीडियो में देख सकते होंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये सारा फील्ड देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा फील्ड नहीं है, ये बल्कि भारत सरकार का एक ऐसा फील्ड है जिसको सबिया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं सबिया एयरपोर्ट के पास पहुंचा हूं और इस वक्त मैं सबिया एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा हूं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितना दूर तक दिखाई दे रहा है ये सभी सबिया एयरपोर्ट का रनवे ही है। और आज के समय में भी ये रनवे किस प्रकार से चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ईंट का बना हुआ रनवे कितना अच्छा दिख रहा है आप देख सकते होंगे। 1903 ईस्वी में बना यह एयरपोर्ट अपने दुर्दशा पे आज किस प्रकार से रो रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, और इसका कंट्रोल रूम भी हम आपको दिखाएंगे जहां से इस एयरपोर्ट को कंट्रोल किया जाता था। जितने भी एयरपोर्ट पे मतलब कि जितने भी जहाज़ वगैरह फ्लाइट वगैरह उतरते थे वो किस प्रकार से इस एयरपोर्ट से कंट्रोल रूम से कंट्रोल किए जाते थे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और ये भी साथ में दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस एयरपोर्ट को कुछ गाँव के लोगों ने अतिक्रमण करके उसको अपने अंडर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ना, टॉप फ्लोर के मुकाबले जो ग्राउंड फ्लोर की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। ये देखिए, इसका जो दीवार है किस प्रकार से ढह चुका है, इसकी स्थिति मतलब कि इतनी जर्जर हो चुकी है कि मतलब कि देखने में भी डर लग रहा है। और यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे, यहाँ पे जानवर रह रहे हैं, आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते होंगे। ये देखिए, इसका जो मजबूत दीवार है ना, अभी भी कितना मतलब कि अच्छे से ये मजबूती के साथ खड़ा है, आप ये देख सकते होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो मसाला है ना, वही निकला हुआ है। अगर इसको मेंटेनेंस कर दिया जाए तो फिर से ये चकाचक हो जाएगा। इसके अलावा मतलब कि जो भी इसका दीवार है, जो भी इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। जिस समय ये सब बिल्डिंग बना था ना, उस समय संपूर्ण संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, और संसाधन नहीं था उसके बावजूद भी इतना बढ़िया मतलब मजबूती से ये काम हुआ है कि आज की तुलना में जो भी काम होता है उसके मुकाबले बहुत बढ़िया काम होता है। आपको कुछ और हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपको दिखा रहे हैं। आप ये बाहर साइड का आउटसाइड का एरिया आप देखिए, और यहाँ का भी मतलब कि कितना मजबूती के साथ सारा दीवार खड़ा है, ये सारा दीवार आप देख सकते होंगे। और यहाँ पे ये जितने भी दीवार है ना, यहाँ पे लगभग टॉप फ्लोर पे 4 कमरे बनाए गए हैं, और नीचे भी 4-5 कमरा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। अगर यहाँ पे कोई एक आदमी मतलब कि इसको देख रेख करने वाला होता ना, तो इतना अच्छा से इसको मतलब कि हैंडल किया जाता और इसकी जो दुर्दशा है इस प्रकार की आज नहीं हुई होती। यहाँ पे पेड़ भी उग चुका है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इस समय हम कंट्रोल रूम के ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ग्राउंड फ्लोर की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं, और बिल्डिंग के अंदर का मतलब कि दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी जो कंट्रोल रूम में इंसानों को रहना चाहिए, उस कंट्रोल रूम की स्थिति क्या है, और यहाँ पे किस प्रकार से गाय भैंस रह रहे हैं, किस प्रकार से जानवर रह रहे हैं, यहाँ पे पशुओं को चराने वाले लोग भी रह रहे हैं, और यहाँ पे गाय के द्वारा भैंस के द्वारा कितना मतलब कि मल मूत्र किया गया है, आप ये वीडियो में देख सकते होंगे। जिस कंट्रोल रूम की स्थिति मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, वो अपनी दुर्दशा पे किस प्रकार से आज रो रहा है, वो आप वीडियो में देख सकते होंगे। दोस्तों, अभी मैं जिस एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ इसका जमीन कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पूरे 517 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ एयरपोर्ट है। बिहार का यह एक ऐसा एयरपोर्ट है, इतना जमीन बिहार के किसी भी एयरपोर्ट के पास में नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छे से एयरपोर्ट बनवाया जाए ना, तो बिहार का सबसे बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है। इसके अलावा 517 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, और लोग वहां पे अपना मकान और झुग्गी बना करके रहते हैं। उन लोगों से भी जानेंगे कि आप लोगों को अगर सरकार खाली कराएगी तो आप लोग कहां जाइएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट का निर्माण 1903 ईस्वी में अंग्रेजों ने करवाया था, और भारत सरकार समय समय पर इसका उपयोग भी अपने लिए करता रहा है।
आपको जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दें कि इस एयरपोर्ट को भारत और चीन के युद्ध के समय भी इसको यूज़ किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी इसका यूज किया गया था, क्योंकि ये जो बिहार है ना चीन से सटे हुए है और इसीलिए इसका इस्तेमाल जाहिर तौर पर अगर बनवाया जाए तो आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट होगा और इसको अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस सब एयरपोर्ट में जो कुछ लोग गांव के निवासी रह रहे हैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं। चाची ये बताइए आप कब से यहाँ पे रह रही हैं, मतलब कितना दिन से आप इधर रहते हैं? हमने ये जन्म थोड़ा ही हमके शादी भी भर तब तेज हमके सास ससुर नहीं है के वालो। अच्छा, लगभग शादी के बाद आप एजा से रहते हैं? हाँ। ये सरकार के नियम बा कि जल्दी से जल्दी के खाली करे के बा, तो आप लोग इनके का ऊपर मुद्दा उठाता? का मुद्दा उठी, जब सरकार के जमीन अपन ले जाइन तबन कन खुश नहीं सोना छोड़ जाए तबन खुश बन सो जहाँ के बाब है तो व्यवस्था हुई जाने जितना पैसा जुटे उतना अपन घर द्वार बनाए सो ना जुटी वही पर रहें सो। तो अभी ये समय उतना बजट बा कि सरकार खाली कराओ तो आप अपन अच्छा घर बनवा सकी? कहाँ से बनवा सो, सब पैसा रही तब तो बनाए सो, पैसा ना रही कहाँ से बनाए सो। वो गाँव बच अच्छे गाँव में 17 गाँव बस तो हर गाँव के भी नोटिस मिले कि जल्दी से जल्दी खाली कराओ के? अभी नोटिस नहीं मिला सर, नोटिस नहीं मिला, कन्फर्म कोई बात की नहीं, ऐसे मुँह से बाप से बोले हैं जिसको साफ किया जाएगा। पेपर में निकल रहा है कि 1011 लोग पर मुकदमा भइल बा कि खाली करे खातिर, खाली कर वो मुकदमा दर्ज यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब ये सब अफवाह है, अफवाह केहू के कोनो नोटिस नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं मिला, मतलब ये जौन भी दे अपना राज्य में चलता है अफवाह बात चलत अफवाह चल रहा बा। अभी अगर आवे वाला समय में सरकार खाली कराओ तो आप लोग इनके का मतलब का करे लोग? तो हमने के का कर, उसका संपत्ति है अब जैसा करेगा वैसे मैं कर सकता हूँ। खाली कराएगा तो खाली कर दीजिएगा? तो जब जरूर करेंगे हम लोग को, तो बाप दादा को तो कब से रहते नहीं आप ही हमने तो बचपन ही 3 पुत गुजर चुका बताइए, तो आप इतना आसानी से जमीन के छोड़ दो आपके तकलीफ ना हुई तो क्या कर जाए दूसरा का संपत्ति के मैं क्या करूँगा। चलिए कोई नहीं, सब मिला जुला करके इस जमीन सरकार की है तो सरकार जो चाहेगा वही मिला जुला करके होगा जी। अगर खाली कराएगा तो खाली करना है, रखने की कोशिश करेगा तो रखना है, रखना है। सरकार से आप लोग इनका मांग करते नहीं लोग? हमने के तो कुछ हमने कोनो गरीब आदमी के कोई रास्ता दे दे, कोई कुछ भी दे भी सको। एक छोड़ कर हुआ कहाँ जब अगर खाली करावती है तो कहाँ जहाँ सरकार को भेजी तो हमने जाए के तैयार बनी सब। एक अलावा आपके कहीं मकान कहीं जमीन कहीं निखंड जौन बात तो नहीं जबा? हाँ निखंड में बस। अब आप लोग इन का करे लोग, मतलब कैसे कमानी लोग? गाय भैंस कुदारी चला कर मजदूरी करके आप लोग पेट के चला वाला। सरकार के ये चीज़ पे भी ध्यान देवे के चाहिए कि जो आदमी के 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो गुजर चुकल बा वो इतना आसानी से अपन जन्म धरती कैसे छोड़ सकेला।